हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? होप आप लोग सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज शुरू करते हैं हमारे नए ब्लॉग से। तो आज हम आपको ले जाने वाले हैं बहुत ही ब्यूटीफुल फार्म हाउस पे, और साथ ही मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि चीकू इस वक्त क्या कर रहा है। तो आप देख सकते हैं चीकू स्टडी कर रहा है और उनकी मैम उसे स्टडी करा रही हैं। तो आप लोग बार बार पूछते हैं हमसे कि चीकू कौन सी क्लास में है, चीकू कब पढ़ता है, तो इसीलिए हम आपको दिखाना चाहते हैं चीकू अभी स्टडी कर रहा है, ये उसका स्टडी टाइम है। डू यू सी इन योर क्लासरूम? आप अपने क्लासरूम में क्या क्या देखते हो चीकू? टेल मी, बताओ चीकू। ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर, टेबल, स्टूडेंट्स। इनकेस जरूरत पड़ जाए, गर्मी वर्मी हो कुछ। चीकू के कपड़े बाबू, एक जोड़ी चीकू के नए कपड़े दे। नहीं, दो तीन जोड़े दे दे। दो जोड़े दे दे। दो चेड़ी सुन, काला पर्स कहाँ रखा था मैंने? ये रहा इनका भी, ये रहा। चल हाँ, तो गाइस बहुत गर्मी है दिल्ली के अंदर। तो अभी हम जा रहे हैं, हमारे बड़े भाई हैं मोहित कटारिया और दीपू कटारिया भाई हमारे, तो आज उनके फार्म हाउस में थोड़ी मस्ती वस्ती करेंगे। जाके चीकू को स्विमिंग पूल पे नहलाएंगे, पायल को भी, सबको नहलाएंगे, फुल मस्ती करने वाले। तो वीडियो को पूरा देखना और बहुत ही मज़ा आने वाला आज के ब्लॉग में। सीरियसली है कि बहुत मजा आने वाला है, बिल्कुल, क्योंकि हम फुल ऑन मस्ती करने जा रहे हैं। तो भैया ये है हमारी कॉम्बो फैमिली, तो आज हम जा रहे हैं, मजा लेंगे पूरा अपना फार्म हाउस में। और ये हमारे दोनों बड़े भाई हैं, ये हमारे मोहित कटारिया भाई और ये दीपू बड़े भाई है हमारे, तो ये हमारी पूरी कॉम्बो फैमिली देख लो आज। तो आज फुल मस्ती करने वाले हैं, तो लेके चलता हूँ आपको फार्म हाउस में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो भैया ये हमने स्विमिंग पूल ट्यूब ले लिए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं, इनका ध्यान भी रखना पड़ेगा हमें, क्योंकि हम कम नहाएंगे ये ज़्यादा नहाएंगे, तो इनको रख देते हम। चले दादा, चले आपको बैग ले लेंगे। हाँ ले लेंगे बैग यहाँ से। हाँ इस साइड का चलना है, उस साइड से चलना है ना। चलो जी लेके चलते हैं आपको, फुल मजे करेंगे। वही तो हम कर रहे हैं गाड़ी का पीछा पूरे, तो चलते हैं गाड़ी के पीछे इन पतली गलियों में से। आपको मैं दिखाता हूँ गाड़ी कैसे जाएगी हमारी, यहाँ से जाएगी। तो गड्डी जान दी, छलंगा मार दी, तो आज चीकू बताएगा। चीकू कैसा लग रहा है आपको? अच्छा, मज़ा आ रहा है। तो भैया अभी हम जा रहे हैं कुछ जुगाड़ लेने अपना, क्योंकि फार्म हाउस में हमारे भाई दिख गए जाए पूरे, फुल मस्ती करेंगे। नहीं तो भैया अभी सब्जी वब्जी बन रही है यहीं पे, दाल तड़का देख लो, तो वहीं निपटाएंगे इसको हम सारे घर वाले। और कमेंट करके बताना मैं कमज़ोर लग रहा हूँ थोड़ा दादा, सही बताना, थोड़ा लग रहा हूँ कमज़ोर पहले से। हाँ पहले से लाइक। अब मैं जब हैदराबाद था, हैदराबाद था मेरा 100 किलो, अभी 5 किलो कम करा 6 दिनों के। चलो कोई दिक्कत नहीं, तो अब हम पहुंचने वाले हैं 10 मिनट में, और सारी तैयारियां हो चुकी है, सारा खाना आ चुका है, चिप्स सैंडविच बहुत कुछ है, जो हम वहाँ जाके बहुत सारी मस्ती करेंगे, बहुत एक्साइटेड हम सब। कालू भैया प्लीज धीरे चला दो, डब्बे वो हो जाएंगे, पलट जाएंगे, काफी सारे डब्बे हैं, संभाल नहीं पाऊंगी। तो गाइस ये है हमारे फार्म हाउस का आड़ा टेढ़ा रास्ता, आप देखिए ऐसे रास्ते होते हैं, हरियाली, शुद्ध वातावरण, फुल मज़ा आने वाला है। तो गाड़ी फुल धमाके से चल रही है, डमा डम। तो अभी सब वेट में है कि हम जल्दी से फार्म हाउस पहुँचे और वहाँ का नज़ारा देखे कैसा है, कैसा और ठीक ठाक बढ़िया सुना हुआ है। अच्छा, मेरी वीडियो कॉल पे बात हुई थी शायद ना आपसे, आपने बैठे थे ना। आ जाओ चीकू, आ जाओ, चोटी नहीं खोलते बेटा, चोटी खोली तो आपको देख लो, फिर घर भेज दूंगा वापस, जल्दी आ जाओ, भेज देना घर। हमारी पूरी कॉम्बो फैमिली उतर चुकी है गाड़ी से, बहुत मज़ा आने वाला है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा दिखा देता हूँ, आ जाओ। तो भैया यहाँ पे 2 स्विमिंग पूल, जो ये वाला स्विमिंग पूल है इसमें नहाएंगे हम लोग जो बड़े बड़े लोग हैं, तो इसमें पूरा फ्रेश पानी हमने भरवा रखा है, कल इसमें थोड़ा सा ख़राब पानी था। और ये बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है, वहाँ से लेके यहाँ तक बहुत बिग,
बिग इसलिए है ये क्योंकि इसमें बहुत सारे हमारे भाई बहन बहुत सारे नहाते रहते हैं, तो ये बहुत बड़ा वाला स्विमिंग पूल है। तो एक छोटा स्विमिंग पूल है उस वो दिखाता हूँ आपको, आ जाओ। एक्चुअली ये जो स्विमिंग पूल है ये है छोटे बच्चों का। मैं इसमें कूदूंगी। हैं? वो इतना आता है पानी? मैं भी इसमें कूदूंगी। क्यों? मैं मेरे डर लगता है। गिर जाएगी? ठंडा बहुत है यार। अरे ऊपर ऊपर आता ना, ये धूल मिट्टी है और कुछ थोड़ी है। इतना बड़ा है ना। हाँ, तो ये बच्चों का है। इसमें मैं इसी में कूदेंगे। इसी में मैं कूदूंगी। क्यों? क्योंकि मेरे को स्विमिंग नहीं आती। कोई बात नहीं, हम सिखा देंगे। सो सॉरी। तो मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ क्योंकि रोशनी चले जाएगी। चीकू इधर आ जाओ। चीकू इधर आओ भैया, इधर 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 आ जाओ। ये बच्चों का है। तो अभी ये मज़ेदार किचन है और यहाँ पे जहाँ तक है पूरी फैमिली आती है हमारी कॉम्बो में, और दीपू भाई आते रहते हैं यहाँ हर बारी। तो फिर इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम खाना वाना भी खा सकते हैं, उधर भी खा सकते हैं, पीछे भी। फिर यहाँ से एक और गुप्त रास्ता है और फिर हम यहाँ पहुँच जाते हैं रूम में। तो बहुत ही मज़ेदार रूम है अंदर भी। ये पुराने ज़माने के रूम को इनको डेकोरेशन दी गई है। ये अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ है। अच्छा, ये पूरा? हाँ, मतलब इसमें गर्मी नहीं लग सकती। अच्छा, चाहे एसी चला। एसी वैसी की कोई जरूरत नहीं इसमें। मतलब ये पूरा डेकोरेशन पहले की है? मतलब जो दीवार है ना जी, दीवार ऐसे करके, एक दीवार ऐसे लगी, मतलब एक ईंट, एक ईंट ऐसे, एक ऐसे बीच में जगह है, मतलब गैप है। अच्छा अच्छा, बीच में, इसलिए हीट थोड़ा सा इसमें कम आता है, हीट नहीं होगी। दीवार भी मोटी है ना, तो छत है, ईंट से ईंट मिल के मतलब। अच्छा, तो भैया कुछ चीज़ें होती है यूनिक, तो ये यूनिक चीज़ों में से बना हुआ है, बहुत ही मज़ेदार। और ये छत है, जो ईंटों की छत है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल फार्म हाउस है। जैसे कि आप देख सकते हो हर जगह ग्रीनरी ग्रीनरी है और बहुत ही सुंदर है। पक्षी की चहकने की आवाज़ें हैं और बहुत कितने प्यारे कैक्टस। वैसे तो बहुत चुभने वाले पौधे होते हैं, लेकिन इनका डिज़ाइन इतना सुंदर है कि अगर हम यहाँ पे वीडियो बनाएंगे तो डेफिनेटली। मैं यही देख रही थी कि कैक्टस वैसे कि बहुत सुंदर लग रहे हैं ये, बट थोड़े से इनको कांटे वाले तो होते हैं ये। चलती हूँ। चीकू बिहेव प्रॉपरली। मेरे को दो चप्पल, आपको स्लीपर्स दो, मेरे को दो, मेरे को दो। वन मोर। ओके पायल, तेरे पास है क्या? जानो उनके पास। एक मिनट, एक हमारे जो घर के बच्चे हैं स्कूल में नहा रहे हैं। चीकू इधर है, चीकू इधर देखो, चीकू इधर करो। तो ये दोनों भाई के बच्चे हैं, वो चीकू वहाँ पे मस्ती कर रही है, आप देख रहे हो। चीकू आज फर्स्ट टाइम स्कूल में गया है। चीक सकते हैं, एक्साइटेड है, लग रही है फर्स्ट टाइम भाई। तो भैया यहाँ पे मैं आपको मिलवाता हूँ सबसे। तो मेरे बड़े भाई है वहाँ पे सब लोग, तो हमारे सब बड़े भाइयों से मिलवाता हूँ आपको। तो ये है हमारे दीपू भाई, ये हमारे मोहित भाई दादा, ये हमारे बड़े भाई हैं परमिंदर भाई हैं हमारे, और ये हमारे भतीजे भतीजे हैं हमारे, और ये भी भाई हैं हमारे सुमित भाई सुमित। तो भैया आज हम आए हुए हैं यहाँ पे फार्म हाउस में। तो अभी कोल्ड ड्रिंक चल रही है, तो वो वाला जो है स्विमिंग पूल वो हमारा है। जाओ ट्यूब ले देखो, चला गया भाई। बच्चा हो गया, हो गया, हो गया चीकू को, हो गया चीकू को, हो गया चीकू। ध्यान से भाई का हाथ पकड़ो दोनों। चीकू भाभी कैसे लग रहा है? हाँ चलो, डर नहीं रही है, तो मैं चीकू का बता रही थी इनको कि चीकू पूल के ज्यादा दूर नहीं जाता, बिल्कुल पास में रहता है और आता है और थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक पीता है फिर वापस चला जाता है, तो ज्यादा दूर नहीं जा रहा चीकू, पूल के पास में ही है। देख सकता भाई, पता है एक बार पहले भी हम ना फार्म हाउस गए थे, मतलब यहाँ ही पास में गए थे,
क्या हुआ था, हमारी फ्रेंड थी साथ में, तो उनका सन था, तो ठीक उससे आई थिंक एक ही साल बड़ा होगा। हम सारे वहाँ ऊपर थे, मतलब पूल के साइड पे ना जेंट्स सारे बैठे हुए थे, ऐसे आवाज आती है चीकू की, बहुत दूर था, बहुत दूर थे जेंट्स, मतलब बहुत दूर थे, आवाज नहीं जा रही, ये पूल ना इससे इतना ही होंगे, पर पूल के अंदर बॉल पड़ी हुई थी, बॉल। चीकू कह रहा है कि भाई बॉल लेके आ, भाई बॉल लेके आ, उसने कहा नहीं मैं नहीं लेके आऊंगा, तू लेके आ। तो दोनों में बहस चल रही थी, इतने में चीकू ने उसे धक्का मार दिया जोर से, पूल के अंदर, वो पूल के अंदर, वो बड़ो वाला का था, उसमें 6.5 फुट या 5.5 फुट, मतलब लगा लो 5 फुट से ऊपर पानी था ही था, तो वो गिर गया अंदर, वो हाथ पर मार रहा है, चीकू कह रहा भाई हाथ दे, भाई हाथ दे, वो नीचे, वो नीचे, वो थोड़ी जोर से चिल्लाने लगा, तो उसके पापा ने सुना कि चीकू चिल्ला रहा है, चिल्ला रहा है, जब देखा कि वो अंदर गिरा हुआ है और चीकू हाथ दे रहा है, चीकू भी, वो चीकू को हाथ पकड़ के बस नीचे जाने वाला था, चीकू को भी बचा लिया, फिर उसे भी बचा लिया, मतलब फटाफट इन्होंने निकाला और मतलब कि उस बच्चे को बचाया, मतलब ये कि बच्चों को अकेला कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कभी भी नहीं, वो इतनी बड़ी सीख मिली है, ये तो भाभी बच्चों का पूल है ना, बट वो जो पूल था ना वो 5 फुट से ऊपर का था, जो बाहर आ जाओ चीकू, बस बहुत हो गया, बोलो बस बेटी हो गया, बस बाहर आओ, बहुत ऐसे अंदर हो, चलो चलो सब बच्चे बाहर आ जाओ, एक घंटा हो गया आप लोगों को सबको, हमारी छुटकी भी लगी हुई है नहाने पे, गर्मी भी है ना, तो ये दोबारा चले गए हैं बाहर आके, दोबारा अंदर चले गए हैं सब लोग। चीकू अब बिना टायर के नहा लोगे? अच्छा जी, फुल बस। तो इन बच्चों के पास हम में से एक लोग है, जैसे कि मैं हूँ अभी, तो कोई ना कोई है इनके पास, ये अकेले नहीं है, तो सब कुछ ये एक्सपर्ट की देखरेख में हो रहा है, तो कृतिका भी आ गई है देखरेख में चीकू के पास, और तो चीकू ने पहले, चीकू ट्यूब के साथ स्विमिंग कर रहा था, पर अब वो ट्यूब नहीं पहन रहा, अभी पहन लिए देखो, पर बिना ट्यूब के भी इसको स्विमिंग आती है। चीकू ट्यूब उतार के दिखाओ और स्विमिंग करो, स्विमिंग, वेरी नाइस, वाओ, देखो आंख लाल हो गई, वाओ, शैतान है चीकू थोड़ा सा, इधर आ जाओ, इधर चीकू, क्या हुआ, आ जाओ भैया बाहर, आ जाओ बाहर, आ जाओ बाहर, बच्चे का फोन नहीं है, बाहर आ जाओ चीकू, ना और पीछे कूद, आगे तो कूदेगी, आगे कूद, थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ, हाँ बस, हाँ मैं वो कूद ही नहीं, नाक बंद कर, हाँ नाक बंद कर लिया, कूद जा, अच्छा कूद जा, वैसे कूदना आ नहीं रहा, मैं नहीं कूद पाऊंगी, मैं नहीं कूद, बस ये था मुझे डर लगता है यार पानी की बोझ है, मैं कूद रही हूं नीचे, गई हूं पानी भी चेक करने, पहले चेक करने के ये कितना पानी है, जब मेरे को डर लग रहा है तभी भी, बोलो कोई डर, अरे नहीं है कुछ भी, तू नीचे, नहीं नहीं नीचे मत देख, सामने देख, चालू है 1 2 3 नाक बंद के एक्शन, कूद जा, कूद जा, कूद जा, हां एक्शन, बहुत बढ़िया, नाक पकड़, नाक पकड़, कूद जा, कूद जा, मैं हूं ना, कुछ भी नहीं है, बच गई थी तो तू मेरे से लंबी है, बस कूद कूद फटाफट, अबे नीचे पैर ही तो लगे, डूब थोड़ी जाएगी, मैं लग के ऊपर ही आएगी, पानी के प्रेशर से ऊपर आ जाएगी, ठीक है ओके, आप करो रेडी, 1 2 3 कुजा 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 कुजा, रुको, आप रुको, 1 2 3 हाँ कर जा, कुजा कुजा बैठ के कर दूँ, तो अब आज की कर रही है, ये हमारे घर के बच्चे हैं, आप देखो कितना एंजॉय कर रहे हैं, बड़े वाले पूल में इनको लगता है डर, तो इसलिए हमने इनको पहुंचा दिया छोटे वाले पूल में, तो आप देखो कितना एंजॉय कर रहे हैं बच्चे, चीकू नमकीन नमकीन मत गिरा, नहीं मार खाएगा, मैं बाहर निकाल दूंगी, गिरा भी दी नहीं बेटा, नहीं गंदी गंदी बात, भैया फुल मस्ती चल रही है बच्चों की, मैं आपको लेकर चलता हूँ, 1 मिनट का टाइम दो आप मुझे, मैं
भाभी हमारी तैयार होगी बच्चों के साथ। चीकू यहाँ मस्ती कर रहे हैं। चीकू क्या कर रहे हो? बोली मोती है। अच्छा पायल वहाँ पे है बच्चों के साथ। बच्चों के सारे बच्चों की बाल ड्राई कर रहे थे। कैसा लग रहा आपको? चीकू आज फुल मस्ती में, क्योंकि चीकू बहुत दिन बाद बच्चे मिले। हमारी भाभी का ध्यान रख रही है। और पायल कहाँ जाते हैं भाभी? इधर ही उधर? इधर। तो पायल को चेक करते हम कहाँ पे हैं। तो पायल यहाँ पे है। तो पायल मेकअप कर रही है। गोलू गोलू मेकअप कर रही है। पायल मैंने सेम कपड़े पहने हैं। ओहो ये तो फुल हमेशा सेम ही पहनते हैं। ये आज इनका बैंड बाजू का प्रोग्राम है। इनको जाना है पैसे लूटने। बैंड बाजा एक्चुअली माय ड्रेस चमचम वाली है। एक्चुअली क्या ऊपर लाइट है और पायल की शक्ल आपको दिखा देता हूँ, पहचान में नहीं आएगी, गोलू भी नहीं आएगी।